करूंगा। मगर वो जवाब भी कविता होना चाहिए। भाई ये तो तुम्हारी जाती है। खैर हाँ वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए, एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं, एक डाली पर रह कर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में, धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। जब कुरान का कहना जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की, लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा, इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है, जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है, कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। बच्चों मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था। हाँ तो सुनो अपने सवाल का जवाब। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी, ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं, तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे।